मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम कहाँ जा रहे हैं? हम रुद्राक्ष टाइगर को देखते हैं। हम लोग आए हुए हैं सरिस्का। अभी सुबह है, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हम निकल गए हैं टाइगर सफारी के लिए। चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं कितना दूर है यहाँ से और टाइगर मिलेगा देखने के लिए या नहीं मिलेगा। पीछे बैठी है दिव्या। तो फाइनली हम लोगों ने बहुत दिन से जो हम प्लान कर रहे थे सरिस्का का, आज हम फाइनली जा रहे हैं। एंड अभी प्रिया को जबरदस्ती उठा के लाए हैं, प्रिया उठ नहीं रही थी। तो प्रिया भी है हमारे साथ, दूसरी प्रिया। तो अब देखते हैं हमें वहाँ टाइगर देखने को मिलेगा या नहीं। आर यू गाइस एक्साइटेड? आई डोंट थिंक सो। हम तो एक्साइटेड नहीं है, बट वो जो बीच में बैठा ना रुद्राक्ष, ये सुपर डुपर एक्साइटेड। तो चलिए फिर हमारे साथ, दिखाती हूँ मैं आपको शेर मिला या नहीं। लटक जाता है क्या? उनके पापा है। हाँ, मम्मा और पापा है। ये सब एक दूसरे की मम्मी पापा है। सारे मम्मी। पार्टी हो रही थी। आगे बोलो, हम लोग चिल करने जा रहे हैं। बोलो हम लोग चिल करने जा रहे हैं। हम लोग चिल करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं रुद्राक्ष? हम टाइगर के पास। टाइगर के पास? टाइगर से मिलोगे आप? क्या बोलोगे जब मिलेगा? तो हेलो करेगा। और उसको पूछिए, तो हमने जस्ट एंटर किया है। एज यू कैन सी वहाँ पर लिखा हुआ है सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो रुद्राक्ष ही वाज सुपर एक्साइटेड, उसे टाइगर देखना था एट एनी कॉस्ट। तो फिर हम सुबह सुबह अपनी नींद खराब कर कर सारे पहुँच गए टाइगर रिजर्व पार्क टाइगर देखने। हमारे साथ और भी 4 गाड़ियाँ थी जिसमें हमारे ऑफिस कलीग थे, बिकॉज ये हमारा ऑफिशियल ट्रिप था। तो चलिए देखते हैं हमें टाइगर देखने को मिलता है या नहीं। सो आप देख सकते हैं सामने वो जो गेट है, वहाँ से स्टार्ट होती है टाइगर रिजर्व सफारी। सो दे हैव देयर ओन जिप्सीज, जिस अगर आप चाहें तो आप जिप्सी से भी सफारी पे जा सकते हैं। बट हमारे पास खुद की गाड़ी थी, सो हमारे कुछ कलीग्स आगे निकल गए, 2 गाड़ियाँ आगे खड़ी हुई हैं। तो हम जस्ट एंटर करने लगे हैं। रजिस्ट्रेशन मिला है हमें यहाँ पे। अब कुछ भी होता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर सफारी में कुछ होता है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जैसे ही हमने एंटर किया, उन्होंने हमारे रिसिप्ट काटी और हमें ये रूल्स पकड़ा दिया कि आपको स्मोक नहीं करना है अंदर, आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं स्पीड में, किसी भी एनिमल को परेशान नहीं करना है एंड ब्ला ब्ला। कहाँ पहुँचे हैं? टाइगर के पास। टाइगर के पास? टाइगर दिखा आपको अभी तक? कहाँ है? नहीं दिखा। नहीं दिखा। हमें निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया था। वी ऑल वर वेरी टायर्ड और कुछ मिल ही नहीं रहा था वहाँ पे, बस भैंस देखने को मिल रही थी या फिर कुत्ता या फिर गाय, बस यही सब था शुरुआत में। तो आज हम आपको सारे एनिमल्स देखते हुए चल रहे हैं। आपको रास्ते में कौन कौन से एनिमल्स मिलेंगे मम्मा घर जाके पूछेगी, तो मम्मा को आपको बताना है। ठीक है रुद्राक्ष, डन, गुड बॉय। गए से हम आ तो गए हैं जंगल सफारी पे यहाँ पे, बट मुझे लग नहीं रहा यहाँ हमें शेर दिखेगा। कोई बात नहीं, दिखेगा तो दिल्ली जाके देख लेंगे जू में। वी हैव पेड 385 रुपीस पर स्लीप, मींस पर कार वी हैव पेड 385 रुपीस। एंड आई जस्ट गॉट टू नो कि यहाँ पर हमें कोई शेर नहीं दिखने वाला। ये जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है मंदिर की तरफ, और अगर हमें शेर देखना है तो हमें जाना पड़ेगा कच्ची रोड पे। रुद्राक्ष ये क्या है जो आगे हमें दिखा है? जल्दी बताओ रुद्राक्ष। काओ। काओ? ये काओ है? काओ और बफेलो कौन होते हैं? ब्रदर सिस्टर। मॉम और डैड नहीं होते। रुद्राक्ष क्या हुआ? रुद्राक्ष आपको टाइगर नहीं मिला? रुद्राक्ष देखो टाइगर आ गया, देखो टाइगर आ गया, देखो आया टाइगर। इमोशंस
पिकॉक आगे देखो, यहाँ टाइगर नहीं दिखेगा गाइस क्योंकि यहाँ पे पिकॉक और ये सब चीजें ऐसे घूम रहे हैं। टाइगर चाहिए। और ये पिकॉक है ना, वो डियर, वो यार बोल रहा हाँ वीडियो लो, वो बैठा शेर नहीं है। वहाँ पे भी देखो कितने सारे हैं डियर। अभी टाइगर, टाइगर देख लिया? हाँ। कब देखा? अभी नहीं देखा। तो अभी देखा क्या है फिर हमने? कुछ भी नहीं देखा। तो पीछे जो देखा था अभी वो क्या था? डियर। 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 अच्छा लगा आपको? हाँ। ठीक है। बस आए बोलता है। हम फाइनली देखने आए थे शेर और दिखा हमें सुअर। सुअर तो क्या ये पैसे देने वर्थ रहे? पेपा पिग रुद्राक्ष, ये देखो कहाँ गया, ये जा रहा है ना, पेपा पिग है वो। और हमें बारहसिंगा भी दिखा था, बट हाँ हमें शेर नहीं दिखा जिसकी तलाश में हम यहाँ पर आए थे, जो रुद्राक्ष को देखना था। सो हमें बाद में पता चला कि ये जो रोड जा रही है ये जाती है बहुत ही फेमस हनुमान मंदिर है एक उसकी तरफ, तो हमने सोचा कि अब हम इतनी दूर तक आ ही गए हैं तो क्यों ना हनुमान जी के दर्शन कर लिए जाएं। तो हम सब निकल गए फिर आगे दर्शन करने के लिए हनुमान जी के, क्योंकि ये रोड वापस अगर आप लोगे तो वापस वहीं से होती हुई जाएगी। तो अगर आप जंगल सफारी के लिए आए हैं तो आपको वहाँ पर दर्शन करने जाने ही पड़ेंगे। तो हमने यहाँ से एंटर किया और यहाँ से भी अभी बहुत आगे था, हालत हमारी बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था मॉर्निंग में। हम सुबह सुबह शेर देखने के लिए जल्दी निकल गए थे। सो अगर आप आए सरिस्का और आपका कोई प्लान है जंगल सफारी पे जाने का, तो छोटी सी एडवाइस है आपके लिए कि ब्रेकफास्ट कर आएँ और गाड़ी में कुछ ना कुछ खाने के लिए रखें, बिकॉज जो रास्ता है वो बहुत बहुत लंबा है और बीच में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नॉट इवन वाटर बॉटल। सफारी इज अबाउट टू एंड, इस चीज का ध्यान रखें। व्यू काफ़ी सुंदर था, बिल्कुल गोवा वाली फील आ रही थी, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर था अंदर से जो ये व्यू था ना जब हमने एंटर किया। सो यहाँ से हमें फाइनली 5-10 मिनट्स और लगे। वी वर सो टायर्ड कि हमने सोच लिया था कि बस यहीं से मोड़ लेते हैं, बट एक अंकल मिले, उन्होंने बोला कि बेटा इतने पास आ गए हो तो अब तो दर्शन कर लेने ही चाहिए। सो हम बहुत थक गए थे, बट अंकल ने जैसे बताया कि मंदिर बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन मंदिर है एंड बहुत मान्यता है इसकी, तो फिर मुझे तो जाना था। तो कैसे तैसे कर हम पहुँचे मंदिर। आगे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ रिकॉर्डिंग करना वहाँ पर अलाउ नहीं, और हम दर्शन कर निकल गए वापस।